दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में देखना है मेजरमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस बाय गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। आप देख रहे हो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है और एक गियर है। फिर इसका टूथ थिकनेस मेजर कैसे करना है वो आज इस वीडियो में देखना है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इससे पहले मैंने क्या किया है कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपका एक गियर टूथ है, ठीक है। फिर आपका ये जो डॉटर दिख रहा है आपका एक पिच सर्कल है। फिर इसके ऊपर से आप देख सकते हो कि आपका जो पिच सर्कल है ये मतलब आपका क्या है, गियर का थिकनेस यहाँ पे रहेगा ऐसे। ये जो AEB है आपका वो गियर थिकनेस है, लेकिन ये वो कैसे है, आर्क में है। तो आप आर्क का मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। तो आर्क का मेजरमेंट करने से इससे वजह से क्या करो आप कि उसका ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो दो पॉइंट का इंटरसेक्शन है, इसको आप मेजर करो। उसको क्या कहते हैं, कॉर्डल थिकनेस कहते हैं, ठीक। और वो किससे मेजर होती है, आपके गियर टूथ वर्नियर से होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका गियर टूथ वर्नियर कैलिपर है। इसका अभी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसे एग्जैक्ट है। आप देख सकते हो एक वर्टिकल स्केल है यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल स्केल है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्नियर स्केल है, यहाँ पे भी एक वर्नियर स्केल है। ये दो लॉकिंग नट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे, ये दो लॉकिंग नट यहाँ पे। ये जो दिख रहा है ये क्या है, फाइन एडजस्टमेंट का आपका स्क्रू है। ये जो जॉ है ये मूवेबल जॉ है। आपको क्या करना है, आपका थिकनेस मेजर करते टाइम इसको ऐसे नज़दीक लेके जाना है उसको और मेजर करना है। फिर ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, उसका टंग है। आप देख सकते हो ये जो है ये क्या है, इसका टंग है। ये क्या होता है, जैसे आप उसको नीचे लेके जाओगे वो आपका जो गियर का टीथ रहता है, टीथ के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जाके वो यहाँ से रेस्ट हो जाता है। फिर इसको आपको क्या करना है, सेट करना है। सेट करके आपको क्या करना है, इसके W मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा, इसको ये डिस्टेंस W रहेगा और ये जो डिस्टेंस रहता है ये D रहता है, ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगी, इसको सेट करके आपने गियर टूथ पे मेजर किया तो आपको ये W और D मिल जाते हैं। लेकिन दिस वैल्यूज आर देन कंपेयर्ड विद द कैलकुलेट वैल्यू विच कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग मेथड। आपको ये जो वैल्यू मिले गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से, एक दूसरा एक मेथड है उसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। टूथ थिकनेस इज स्पेसिफाइड बाय एन आर्क डिस्टेंस AEB। ये गियर का जो टूथ थिकनेस है वो कैसे हो रहा है, AEB है। एंड W इज कॉर्ड AD-B। W क्या है, आपका जो कॉर्ड है दिख रहा है AD-B है। एंड ऑल्सो डिस्टेंस D इज स्लाइटली ग्रेटर दैन अडेंडम C। अडेंडम कहाँ पे, आपका C है, लेकिन ये D क्या है आपका, ये अडेंडम से थोड़ा सा ज़्यादा है। देयरफॉर W इज कॉल्ड कॉर्डल थिकनेस, W इज कॉल्ड कॉर्डल थिकनेस एंड योर D इज कॉल्ड कॉर्डल डिडेंडम। फिर उसके बाद कैलकुलेशंस है और कैलकुलेशन करने के बाद आपके ये दो वैल्यूज आते हैं W के। W इज इक्वल टू NM साइन 90/N। यहाँ पे n क्या है, आपके नंबर ऑफ टीथ है। m क्या है, आपका मॉड्यूल है। सेम d इज इक्वल टू nm बाई 2 ब्रैकेट 1+2/n माइनस कॉस 90/n। ऐसे आपको इससे क्या होना है, आपको W और D की वैल्यूज पता चलेंगी। अभी ये जो डेरिवेशन है W और D का वो कैसा आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे लाइक करके बताइए। थैंक